आप देख रहे हैं BHBC News। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव और अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी जमकर प्रयास कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसके लिए भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी और इसका फायदा कर्नाटक चुनाव में पार्टी को मिला भी। और अब खबर है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण जल्द ही शुरू कर सकते हैं। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक विधानसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण शुरू कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक दिसंबर से फरवरी के बीच भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण आयोजित किया जा सकता है। वहीं इससे पहले मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए 13 नवंबर को भोपाल में राहुल गांधी पद यात्रा करेंगे। फिलहाल राहुल गांधी 3 दिनों के दौरे पर उत्तराखंड में हैं, जहां उन्होंने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। विधानसभा चुनाव प्रचार को लेकर राहुल गांधी के आगामी कार्यक्रमों की बात की जाए तो कल यानी बुधवार 8 नवंबर को वो छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में होंगे। इसके बाद 9 नवंबर को मध्य प्रदेश के जबलपुर में और 10 नवंबर को सतना और 13 नवंबर को भोपाल में कार्यक्रम है। इससे पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से की थी और 30 जनवरी 2023 को जम्मू कश्मीर में इसे खत्म किया था। वहीं भारत जोड़ो यात्रा 2 की शुरुआत इसी साल दिसंबर के महीने से हो सकती है, जो अगले साल फरवरी तक चलने वाली है। कहा यह भी जा रहा है कि ये यात्रा पिछली यात्रा से अलग होगी। पिछली बार राहुल गांधी ने पैदल यात्रा की थी, जबकि इस बार कहीं पैदल तो कहीं गाड़ियों के जरिए इस यात्रा को पूरा किया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।